बादशाहों को भी अपनी बेटियां ब्यानी पढ़ती हैं। उनकी बेटियों को पढ़ने का शौक नहीं होता होगा, मुझे है। कहती है ना कहो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी। मुकर गए तो लफ्ज वाले हैं तो लिख के दे दो कहीं। ताना बाना जल्द आ रहा है। भूल जा ऐ दिल। हम कल जा रहे हैं हदीद के घर, उससे बात करेंगे, तो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल फिक्र मत करो, कल सब कुछ हम ठीक करके आएंगे। तुमको मैंने कहा था दोनों कड़े पहन, क्या एक भी नहीं पहन कर आई? और ये शर्मिली को तुमने अपना सूट दे दिया। मैं आहिस्ता बोले कि उसका अपना सूट है, मेरा नहीं है। अमर भाई, आप दोनों भी इधर खड़े हो ना, आखिर आप लोग भी न्यूली वेड कपल हैं। नहीं नहीं दानिया, हम तो अब पुराने हो गए, अब तो तुम दोनों का टाइम है। अरे आशी बेटा, ये क्या बात हुई, कोई इतनी जल्दी पुराना नहीं होता। चलो साथ खड़े होके खूबसूरत सी अच्छी सी पिक्चर्स बनवाओ। चलो शाबाश। जी अंकल। अमर भाई स्माइल, ऐसे जैसे जबरदस्ती खड़ा किया हुआ आपने। खैरियत है अम्मी? मेहमान चले गए लेकिन फिर भी आप यहां बैठी, आराम करने का इरादा नहीं है क्या? तुम बैठो मेरे पास, तुमसे कुछ बातें करनी। अब मुझसे क्या गलती हुई? गलती नहीं हुई मेरी जान, मेरा दिल कुड़ रहा है तुम्हारे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपने बेटे को उसकी मोहब्बत, उसका सुकून, उसकी खुशियां लौटाऊं। तुमने देखा था ना आशी की पेरेंट्स को, कितने खुश और मुतमईन थे वो आशी को इस घर में देख। और हमारी आशी अच्छी बहू की तरह पूरे घर का इंतजाम संभाल रही थी। क्या करूं, मैं कैसे एक शरीफ खानदान को आंसुओं में डुबो दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी दूसरे लफ्जों में आप मुझे सारी जिंदगी ऐसी आग में झुलसाना चाहती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जलाकर राख कर देगी। अभी आपके हाथ में है, आप आशी का मान रख लें या फिर अपने बेटे को एक अजियत भरी जिंदगी जीने से बचा लें जिसमें सिर्फ उसकी मौत लिखी है। सारी हदें तोड़ के खुद गर्जियां छोड़ के पल भर में क्या सब कुछ फना कर दिया। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बन जा रहा, हारा गम का मारा बन जा। बाजी आप यहाँ क्यों आ गई? आप कमरे में बैठी, मैं वही चाय लेके आती हूँ। नहीं आज रहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है,
सुल्तान भाई के आने पर पता नहीं क्या होगा। अतीत ने जो किया गलत किया, लेकिन मुश्किल यह है कि उसे अक्ल नहीं आ रही। हाजर हाजर दुआ करो कि अतीत सुप्रिया को आजाद कर दे। बाजी, आपने कल मेरे साथ दिल हल्का करके बहुत अच्छा किया। अल्लाह करे हदीत सब समझदारी से काम लेके इस मामले को रफा दफा कर दें। हदीत मेरा बेटा है, मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा, बड़ा प्यारा बच्चा था मेरा, लेकिन इस जुनून ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। बाजी, आपने कहा था कि हदीत साहब ने अल्लाह से रो के माफी मांगी है, आपसे माफी मांगी है, सोफिया से माफी मांगी है, सोफिया के घर वालों से माफी मांगी है, तो फिर क्यों नहीं उन्हें माफ किया जा रहा? क्योंकि वो अपने इस गुनाह की तलाफी ही नहीं करना चाहता, वो अपनी सजा ही नहीं भुगतना चाहता। अगर वो सोफिया को अपनी इस मोहब्बत से आजाद कर देना तो बजाहिर ही सही, वो इसे माफ करके इससे जान छुड़ा लेंगे। बाजी, आप कमरे में जाइए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक। आंटी के पास बैठे थे। हाँ। वो मुझे समझा रही थी, उन्हें महसूस हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं। कितना गलत महसूस हो रहा है उन्हें, क्योंकि हम दोनों ने सिर्फ तुम खुश नहीं हो अहमद, मुझे तो तुम्हारा साथ अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार है। काश मेरा दिल भी तुम्हारे जैसा होता। कितनी आसानी से तुमने हदीद की मोहब्बत को भुला दिया। से और सोबिया से हदीद के बारे में कितनी बातें किया करती थी तुम, उसे पाने के लिए कितनी बेचैन रहा करती थी। और मेरा जर्फ देखो, मैंने आज तक हदीद का कोई ताना तुम्हें नहीं लिया, क्योंकि हमारी शादी इसी वजह से हुई थी कि हम एक दूसरे के साथ। बस कर दो अहमद, कितनी बार बताओगे तुम मुझे हमारी शादी की असल वजह? तुम शायद बताते बताते ना थको अहमद, लेकिन मैं सुन सुन कर थक चुकी हूं अहमद, मैं सिर्फ हाल में रहना चाहती हूं। नफरत है मुझे उस माजी से, और तुम्हें भी हुआ करती थी। नहीं आशी, मुझे अपना माजी बहुत अजीज है,
समझ नहीं आ रहा मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, और अब तो मेरे पास मेरी दोस्त भी नहीं रही। जिसके साथ मैं अपने दिल का हाल शेयर किया करता था। क्या करूं मैं अहमद, मैं क्या करूं? फिर मुझे ये कमरा, ये घर और इस घर के हर फर्द से मोहब्बत हो गई है तो अगर तुम्हारे बगैर जीने का सोचती भी हूं मैं तो मेरी सांस रुकने लग जाती है। मैं पहले अपने आप को तो संभाल लूं। हमारे शहजादे का मूड आज ठीक नहीं था। स्कूल जाते वक्त उसने काफी तंग किया। जी तो भैया, तुम किन ख्यालों में घूमो? कुछ नहीं डैडी, मम्मी आप क्या बता रही थी, शोभिना स्कूल जाते हुए तंग किया? हाँ बहुत। अच्छा सुने, आप हदीद से बगैर इमोशनल हुए बात कीजिएगा, बस किसी तरह से उसे कायल कर लें कि वो जल्द अज जल्द डिवोर्स के पेपर्स बनवा दे। मैं समझ रहा हूँ उससे, बहुत तहम्मुल से बात करूंगा, खुद को समझा लिया है मैंने। अच्छा मम्मी, मुझे अपनी एक फ्रेंड की तरफ जाना है, तो क्या मैं आपकी गाड़ी ले जाऊँ? हाँ हाँ, मैं तो सुल्तान के साथ जा रही हूँ, तुम ले जाओ मेरी गाड़ी। डैडी, आज आप मुझे हदीद की कैद से निजात दिलाने की कोशिश करने जा रहे हैं और मैं मोहब्बत के उस हिसार को तोड़ने जा रही हूँ जिससे मैं कभी निकलना ही नहीं चाहती थी। तो मुझे ऑफिस जाते हुए अम्मी के घर ड्रॉप कर दोगे? अभी कल रात डिनर पे मुलाकात तो हुई है, फिर ये अचानक फिर से मिलने का प्लान क्यों बना लिया? अहमद, तुम अपनी अम्मी से रोज मिलते हो, अपने बाबा के साथ रोज काम पर जाते हो, और अगर मैंने अम्मी अब्बा से मिलने के जल्दी कह दिया तो तुम्हें ये बात भी अजीब लग रही है? बहुत अनफेयर बातें कर रहे हो तुम अहमद। मैंने अभी पूछ लिया था, शौक से जाओ, मैं नाश्ता करने नीचे जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। सुबिया, बेटा मैं फिर तुमसे कह रहा हूं, तुम ड्राइवर को साथ ले जाओ, कहां खामखा ड्राइव करती फिरोगी? नहीं डैडी, ड्राइवर का आप लोगों के साथ जाना ज्यादा जरूरी है और मैं खुद ड्राइव करना चाहती हूँ, मुझे शौक है। डैडी आप प्लीज हदीद से किसी बहस में मत पड़ना, मुझे बहुत डर लग रहा है।
परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी इज्जत का भरम नहीं टूटने दूंगा। बेटा वो किसी किस्म की कोई भी धमकी दे तो परेशान मत होना। सोबिया से इंतकाम के चक्कर में हदीद पता नहीं किस हद तक चला जाएगा। परेशान क्यों हो रही हो तुम? मैं बात कर लूंगा ना हदीद से। और बेटा तुमने अपनी फ्रेंड के घर जाना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो हमारे जाने के बाद तुम अकेली खामखा परेशान होती रहोगी। हाँ जी डैडी। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। कब से नाश्ते की टेबल पे आपका इंतजार कर रहा हूं और आप यहां बैठी। चलें नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाके नाश्ता कर लो। मामा प्लीज चले ना, वरना फिर मैं भी नहीं खा रहा। हदीद अभी थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, प्लीज उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिनसे उनको गुस्सा आ जाए। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे सोबिया को तलाक देने की बात की ना, तो फिर आप मुझसे किसी सही जवाब की तवक्को मत रखिएगा। तुम्हें जरा भी अपनी मां की परवाह नहीं? उस सोबिया की खातिर मैंने कितने लोगों की नफरतें सही है, मौत के मुंह से वापस आई हूं। जरा भी एहसास नहीं अपनी मां का? मामा आपने तो मेरी जान, लेकिन सुल्तान अंकल ने सोबिया के कहने पर जो कुछ मेरे साथ किया है उस पर मैं हरगिज खामोश नहीं बैठ सकता। फिर तुमने क्या किया? तुम्हें इस बात का एहसास है? अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी और खुदा ना खास्ता उसके साथ ये हुआ तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? अरे ऐसे मौकों पे तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। मामा मैं उनका दामाद हूं, उनकी बेटी को छोड़कर भाग नहीं गया मैं, उसे इज्जत के साथ रुख्सत करवा कर अपने घर लेकर आया। पर एक बात बताएं, पहले तो सुल्तान अंकल बहुत फखरिया अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मुझे मिलवा रहे थे, और अचानक मुझसे सब कुछ छीन ली। हम लोग तो शारजा सेटल होने जा रहे थे, एक लम्हे में उन्होंने मेरी आंखों से सारे ख्वाब नोच डाले। क्योंकि उन्हें तुम्हारी असल हकीकत नहीं पता थी। इंतजार कर रहा होगा। मेरा आज किसी भी सूरत उससे मिलना बहुत जरूरी है। मम्मी डैडी आ गए तो फिर कभी नहीं मिल सकूंगी। हरा गम का मारा दिल कहां जाए बन जा रहा।